हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन हलीम। हैदराबादी चिकन हलीम बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं: 500 ग्राम बोनलेस चिकन, फ्राइड प्याज, 100 ग्राम दही, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, फ्राइड काजू, 2 टेबलस्पून देसी घी, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 250 ग्राम गेहूं का दलिया, 50 ग्राम चना दाल, 50 ग्राम धुली मूंग दाल, 50 ग्राम मसूर दाल, 50 ग्राम अरहर की दाल, 50 ग्राम धुली उड़द दाल, नमक, हरा धनिया, पुदीना, तेल। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक बाउल में चिकन लेंगे, उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, पुदीने के पत्ते, धनिया, दही को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 मिनट के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें दलिया डालेंगे। मैंने दलिये को अच्छे से धो लिया है और दालों को भी एक जगह मिलाकर अच्छे से धो लिया है। दालों को भी हम कुकर में डालेंगे। पानी और नमक डालकर अच्छे से गलने तक कुक करेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, उसमें प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 30 सेकेंड तक भूनेंगे। अब ये अच्छे से भून चुका है, अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डालेंगे, मिक्स करेंगे, ढककर 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। चिकन हमारा रेडी है। प्रेशर कुकर को मैंने खोला है, सभी दालें और दलिया अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करूंगी। ये मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया है, ये खुल के अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे कुक किया हुआ चिकन, बारीक कटा हरा धनिया, पुदीना, नमक, गरम मसाला, देसी घी, कुकिंग ऑयल, क्रश किया फ्राइड अनियंस डाल के सभी को अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। वापस मैं इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक करूंगी। हैदराबादी चिकन हलीम हमारा बनकर के तैयार है। अब इसको हम फ्राइड अनियंस, हरा धनिया, पुदीना, काजू डाल के गार्निश कर सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।